24 करोड़ का भी दोबारा टेंडर लगा रहे हैं। पहले 9 करोड़ 65 लाख रुपए इन्होंने चपत कर दिए, पैसा खाने की मशीन बन गया है गौला पुल। प्रशासन हमें जेसीबी और माल उपलब्ध करा दे, हम एक दिन में पुल खोल देंगे, एक दिन का समय। रात का पता नहीं कि हमने बचना या नहीं बचना, नदी कब हमारे चोरगलिया के अंदर भी पहुंच जाने। भाजपा सरकार निकम्मी सरकार है, इनके बस का कुछ नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले 9 करोड़ 65 लाख रुपए का जो कार्य हुआ है गौला में, इसकी हम जांच की मांग करते हैं। डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार उनकी रही, करा कुछ नहीं। कोई बीमार हो जाए, उधर पानी है, इधर पुल बह गया, उधर से बंद हो जाए, ये जाएंगे कहाँ? वो आपदा को सिर्फ पर्यटन मत बनाए कि यहाँ पर आकर अपनी शकल दिखाने के लिए खड़े हो गए, मीडिया के सामने बाइट दे दी कि जल्दी ये बन जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़31, मैं हूं आपके साथ पूनम। इस वक्त मैं गौला पुल के नजदीक मौजूद हूं। लगातार हुई मूसलाधार बारिश से पुल का एक हिस्सा बह गया था, जिसके बाद यहां के स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं और यहां के स्थानीय लोग और कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी क्या मांगे हैं। सर, कांग्रेस कमेटी द्वारा यहां धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, मांगे हमारी बड़ी साफ है। सबसे पहले 9 करोड़ 65 लाख रुपए का जो कार्य हुआ है गौला में, इसकी हम जांच की मांग करते हैं कि कैसे बह गया। पुख्ता कार्य होना चाहिए था। गौला पुल है, तब महत्वपूर्ण संपर्क का हमारा पुल है। पूरा चोरगलिया क्षेत्र, गौला पार क्षेत्र के काश्तकारों, आम जन मानस, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसकी जांच की हम मांग करते हैं। साथ ही साथ 7 साल से स्टेडियम को जर्जर हालत में इन्होंने कर दिया, लोकार्पण हमने कर दिया, एक जिला स्तर का खेल नहीं है लोग करा पाए। ये इतनी बड़ी विडंबना है कि ये प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार चाहती नहीं है कि युवा यहाँ पे आगे बढ़े, चाहती नहीं है कि क्षेत्र का विकास हो। जिस सोच के साथ स्टेडियम बना था, जिस सोच के साथ ISBT का निर्माण यहाँ पे होना था और जू का, लाखों लाख लोगों के रोजगार का विषय था, और इस सरकार की जो अनदेखी है और जो सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ये अधिकारी जिस तरीके से हावी है, जिला प्रशासन जिस तरीके से हावी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। सरकार का बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं। कहीं ना कहीं पहले बात हुई थी कि 1 महीने में पुल को बना दिया जाएगा, उसके बाद 20 दिन का समय दिया गया है, फिर 15 दिन का भी समय मांगा जा रहा है, बार बार टाला जा रहा है। 15 दिन में केवल जुगाड़बाजी होगी। 24 करोड़ का भी दोबारा टेंडर लगा रहे हैं। पहले 9 करोड़ 65 लाख रुपए इन्होंने चपत कर दिए, पैसा खाने की मशीन बन गया है गौला पुल, जबकि हमारा सबसे महत्वपूर्ण संपर्क पुल है। और इसके मैं तभी कह रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी की मॉनिटरिंग में, मुख्यमंत्री जी की मॉनिटरिंग में इस पे कार्य हो रहा है। सर, लगातार जो ये जो ऐसी परियोजनाएं होती हैं रोड की, उसमें करोड़ों का बजट पास किया जाता है, उसके बावजूद ये ऐसा मजबूती के साथ काम नहीं किया जाता, सवाल कहीं ना कहीं प्रशासन पे खड़े होते हैं। प्रशासन पे और इनकी शासकीय प्रणाली पे तो पूरा हमारा प्रश्न चिन्ह है, और ये तो अधिकारी जो यहाँ बैठे लूट मचाने के लिए बैठे, और इस सरकार ने खुला हाथ भ्रष्टाचारियों को दे रखा है, संरक्षण भ्रष्टाचारियों का कर रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम बैठे और सड़क से सदन तक इस विषय पर अभी घेराव होगा। अभी हल्द्वानी में भी बहुत बड़ा घेराव का कार्यक्रम है, जिलाधिकारी का हम घेराव करेंगे। स्टेडियम के भी बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं वो परेशान हो रहे हैं, इसकी वजह से भूत हसाब हुआ है स्टेडियम का, स्टेडियम कहीं ना कहीं खतरे की जद में है, उस पर क्या कहना चाहिए? दुख का विषय है, स्टेडियम में तो खेल ही नहीं हुआ इतने वर्षों में, 7 साल हो गए लोकार्पण को, 8 साल हो गए लोकार्पण को, हम लोगों ने लोकार्पण करके दिया, अभी तक स्टेडियम का कोई कार्य नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी दुविधा का विषय है, बड़े दर्द का विषय है। और ये युवा साथी जो भी मेरी बात सुन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की जब सरकार आएगी, IPL तक के मैच हम यहाँ पे कराएंगे, हमारा वादा है। ये बड़ा दुख का विषय है, और जिस तरह किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, और जो मरीजों को हॉस्पिटल जाना था, कुमाऊं का जोड़ने वाला मुख्य द्वार जो है, पहाड़ से फल सब्जियां, सारी किसानों की मेहनत, जिस तरह हल्द्वानी बाईपास से जानी चाहिए थी, NH ने जिस तरह पुराने पुल का इस्तेमाल करते हुए बड़ी रोड बना दी, अरबों की सड़क बनी हुई है, NH ने नया पुल क्यों नहीं बनाया, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। सर, माननीय चाहिए NH के अधिकारियों को, जो कहते हैं इस पुल में 3 पिलर और जोड़ दिए जाएंगे, उन्हें नए पुल का प्रस्ताव पहले रखना चाहिए था। ये मुख्य बाईपास है, पहाड़ और मैदान को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है और मुख्य बाईपास है, और जिससे किसानों की फसलें भी मंडी में जानी थी, गोलापार, सितारगंज, टनकपुर, UP को जोड़ने वाला सबसे बड़ा मार्ग, ये जो पुल धराशायी हो गया है, इसकी वजह से काठगोदाम में भारी जाम लग रहा है, और रोज अगर कोई बीमार है और उसे हॉस्पिटल जाना है तो कई घंटे का समय लग जाएगा, मुझे लगता है कई लोगों की मौत हो चुकी होगी, जिस तरह कई घंटों का जाम काठगोदाम पर लग रहा है, और स्थिति बड़ी भयावह है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन को समझना चाहिए, DM साहिबा को समझना चाहिए, अगर साधन संपन्न नहीं है तो हम किसान लोग हैं, हम आह्वान करते हैं, हम किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके आ जाएंगे, प्रशासन हमें JCB और माल उपलब्ध करा दे, हम एक दिन में पुल खोल देंगे, एक दिन का समय, ज़्यादा दिन नहीं चाहिए, ज़्यादा 2 दिन, 2 दिन में मलबा डाल के हम पुल खोल देंगे।
हमें हम धामी साहब से कहना चाहते हैं, ओजस्वी है कहीं उस मजबूती के साथ तो नहीं बन पाएगा तभी पुल, अगर दो दिन में कैसे इतनी मजबूती के साथ पुल बनाया जाए। जिस मजबूती के साथ बनाया गया वो हमें नजर आ रहा, मैंने इसकी वीडियोग्राफी की, जिस दिन पुलिया बह रहा था उस दिन देख लिया, जो तटबंध थे उसकी लेयर्स कम से कम 10 लेयर्स लगनी चाहिए थी, जो वायर क्रेड था बड़े तरीके से लगना चाहिए था वायर, कहीं ना कहीं करोड़ों के बजट पास होते हैं उसके बावजूद इतनी मजबूती के साथ काम नहीं किया जाता, सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पे। ये जो जिस कार्यदायी सत्ता द्वारा काम किया गया, 9 करोड़ कुछ लाख रुपए का बजट इसमें खर्च किया गया, यह शर्मनाक है। और जिस तरह वायर क्रेड के जाल जो लगाए गए, अगर मैं नीचे मेरे पास वीडियो उपलब्ध है जो बह रहा था उस टाइम का वीडियो मेरे पास है, अगर आप देखोगे तो आपको दुख होगा कि ये 9 करोड़ रुपया ऐसे लगाया गया और इस तरह एक झटके में बह जाना, कोई बहुत बड़ा पानी भी नहीं था, अगर आता तो गोला नदी तो इतना चलती है। अगर इस हिसाब से हमारे अधिकारी और हमारे इंजीनियर अगर डिजाइन नहीं कर सकते तो उन्हें इंजीनियरिंग भी नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, उससे बढ़िया हम जैसे किसान अच्छे हैं। तो बहुत गलत बात है, बड़ी दुखदाई बात है और बड़ा दर्द है बना हुआ, और इस पुल को तुरंत खोल देना चाहिए, कम से कम छोटी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें इसके लिए खुल सकता, कोई बड़ी बात। क्या कुछ मांगे आपकी फिर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तत्काल, हम युवा किसान संघर्ष समिति के लोग हैं और अगर तुरंत इस पुल को नहीं खोला गया अब एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये मजबूरी होगी हमारी, और अगर हमें इजाजत नहीं दी गई तो हम सिर में पत्थर उठा के भी डाल के इस पुल को चालू करेंगे, ऐसा भी करेंगे हम। क्या कहना चाहेंगे सर, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार? बलजीत भाई जो कह रहे हैं, बलजीत किसान हैं और यहाँ सारे लोग किसान बैठे हैं, ये तो इन लोगों का दर्द है बलजीत भाई ने जो बोला है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हाल ये है कि सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, प्रेस मीडिया इसको साथ लेकर करके भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, जिसकी वानगी अभी कुछ दिनों पहले हमारे जिला प्रशासन पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ढो ढो कर करके गली मोहल्ले में घूम रहा है, क्योंकि उनको आगामी चुनाव की तैयारी करनी है, चुनाव की तैयारी करनी, लेकिन उसी जनता के बीच में तैयारी करनी जिसके लिए 10 साल तक वो आंखें मूंद कर कर करके बैठे हुए थे, उस जनता के लिए। अब आप ये गोला पुल को आप देखिए, ये टूट गया, पूरी हल्द्वानी के अंदर तो हालात इतने ख़राब हैं कि वहाँ डेंगू की धीरे धीरे लार्वा उठ रहा है, और आज की बात नहीं है, 10 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, 7-8 साल से उनकी सरकार है, केंद्र में 11 साल से सरकार है, मतलब डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार उनकी रही, करा कुछ नहीं। अब ये जो जनता की मुख्य मूलभूत समस्या, इनको हल करने के बजाय पूरा जिला प्रशासन आगामी चुनाव की तैयारी करवा रहा है, भाजपा के नेताओं को अपने साथ ले लेकर ढोल होकर के, तो मेरा तो कहना उनसे ही है, भाजपा की हालत ये हो चुकी है कि एक शादी होती है ना, तो शादी में इनकी ऐसी शादी हो रही है जिसमें ना ना दूल्हा है, ना दुल्हन है, ना बैंड बाजा है, ना फेरे लग रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन सामियाने पूरे शहर में लगा रखे हैं, ये हाल है इनका। तो विरोध का तो ये जो तरीका है, जो कांग्रेस का जो गांधीवादी तरीका, वो तो हम करेंगे ही, बट जनता को भी आज निकल कर करके इनकी देखो हकीकतों को सामने लाना पड़ेगा। मेरा बड़ा दुख है मुझे इस बात का कि किसानों की जो फसल है वो सीमित समय के लिए होती है, वो सड़ जाएगी, या फिर उसको सही दाम ना मिले, या फिर उनको इतना किराया पड़ जाए, भाड़ा पड़ जाए वहाँ से लाने में, तो ऐसे शासन का और ऐसे सरकार का क्या महत्व? क्या कहना चाहेंगी मैम यहाँ पे? मैम हम तो यही कहना चाहेंगे कि पुल जल्दी बनना चाहिए, हम लोगों को बहुत परेशानी है, क्योंकि अगर हम ऊपर से काठगोदाम से जाते हैं, रास्ते में जाम होता, मरीज जाता है, तो मरीज पहुंचना बड़ा मुश्किल है, दो दो ढाई ढाई घंटे हम जाम में फंसे रहते, पहले ही बहुत जाम था, अब फिर बहुत जाम हो गया है, मगर हमारी यही प्रार्थना है बीजेपी सरकार को कि जल्द से जल्द बनाए, अगर ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं तो हम लोग कहाँ को जाएंगे, प्रॉब्लम ये है ना हर चीज़ में, हमारे चोरगलिया में ये हालात हो रहे हैं कि अगर तो एक घंटा बारिश और हो जाती तो चोरगलिया दो बार हो जाता, चोरगलिया के अंदर से नदी निकल जाती, वहाँ भी इन्होंने 10 लाख रुपये लगाया, वो कहाँ गया पता ही नहीं, और प्रॉब्लम इतनी है हम लोगों को बहुत ज़्यादा, जमीन इतनी कट गई है बहुत ज़्यादा, और हर आदमी परेशान है, इतना परेशान है कि रात का पता नहीं कि हमने बचना या नहीं बचना, नदी कब हमारे चोरगलिया के अंदर भी पहुँच जाने। अब आप एक बताइए कि हम तो चोरगलिया वाले सितारगंज को चले जाएंगे, अगर ये गोला पार वालों है, ये इनका कोई बीमार हो जाए, उधर पानी है, इधर पुल बह गया, उधर से बंद हो जाए, ये जाएंगे कहाँ, है नहीं, परेशानी इनको दिखती नहीं, ये 7 साल से सरकार है, इन्होंने क्या करा,
क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं करा। वहाँ ट्रेंच बेर बनाया, वहाँ चोरगले में पानी नहीं मिलता पीने को लोगों को। इतने हालात बिगड़े हुए हैं कि 7 साल में हमने इतने बुरे हालात नहीं देखे। खास तौर पर भाजपा सरकार को, ये भाजपा ने आज ऐसा वो कर दिया है कि इतना बड़ा पुल, ये पुल बना इसके लिए इतना पैसा आया, कांग्रेस की सरकार में ये पुल का निर्माण हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद जब भाजपा ने इसमें इसका उद्घाटन करवाया तो आज वो पुल की दशा ऐसी बनाई कि ऐसा मटेरियल उसमें लगा कि पुल बार बार टूट जाता है। और ये एक बार नहीं, 2-3 बार ये हो चुका है, लेकिन बार बार उसी तरीके से उसको खाली, मतलब उसको खाली ऊपर से रिपेयरिंग करा जाता है, फिर उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये तो मेन रोड है, हाईवे रोड है ये, इसका कम से कम इसकी ओर देखना चाहिए, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितना वो हो रहा है, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। ये भाजपा सरकार निकम्मी सरकार है, इनके बस का कुछ नहीं है, इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी सरकार से, मैं तो ये कहना चाहूँगी। ऐसा है, हमेशा ये झूठ बोल के झूठा पुल बनाते हैं, ओरिजिनल पुल नहीं बनाते हैं। अगर इन्होंने ये काम करा तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस की सरकार को आनी चाहिए, कांग्रेस की सरकार बनाएगी, क्योंकि ये झूठे लोग हैं, खोखले लोग हैं, और इन्होंने आतंक फैला रखा, ये बेकार लोग हैं। सर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, पिछले 2 महीने से पूरे प्रदेश में आपदा आई, हमने विधानसभा में हमारे माननीय विधायक गणों ने सरकार से मांग करी कि प्रदेश में जिस तरीके से आपदा से लोगों की आगजनी हुई है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आपदा से लोगों का नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार ने उस चर्चा को नियम 310 में स्वीकार नहीं किया। जब सरकार में विपक्ष के विधायकों ने दबाव बनाया तो बमुश्किल नियम 58 में आधे घंटे की चर्चा के लिए इसको स्वीकार किया गया, और आज उसी की परिणति हम आपदा की देख रहे हैं, ये गौला का पुल। आज जो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जीरो टॉलरेंस के नाम पर ये सरकार इस प्रदेश में आई, प्रचंड बहुमत के साथ आई, लेकिन आज सबसे बड़ी जवाबदेही इस बात की है कि जो 10 करोड़ रुपए पिछले 3 वर्ष पूर्व इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए लगा, आज उसकी जवाबदेही कौन देगा? क्योंकि वो पैसा मेरा आपका नहीं है, धरने में बैठे लोगों का नहीं है, इस प्रदेश के महान जनमानस की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये सरकार ने आपदा में भी पर्यटन और एक संभावना खोज ली है कि किस तरीके से हम इन में भ्रष्टाचार कर सकते हैं। आज भी ये गौला पुल का निर्माण होगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या सरकार उस वक्त जो 10 करोड़ रुपए इस पर लगा, उन अधिकारियों के खिलाफ उस कोई कार्रवाई करेगी? क्या उनकी कोई जवाबदेही सुनिश्चित करेगी? क्या उसकी जांच करेगी? मैं इस क्षेत्र के नुमाइंदों से भी कहना चाहता हूँ, उनको जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, वो आपदा को सिर्फ पर्यटन मत बनाएं कि यहाँ पर आकर अपनी शकल दिखाने के लिए खड़े हो गए, मीडिया के सामने बाइट दे दी कि जल्दी ये बन जाएगा और अपनी इतिश्री कर ली। आवश्यकता है कि आज भी जनता के मुद्दे पे अपनी सरकार के खिलाफ भी उनको बैठना पड़े तो उन्हें बैठना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको चुना है, इसलिए चुना है कि उनको आवाज़ को पुरजोर तरीके से वो उठाएंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है, मैं कांग्रेस के सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत के साथ जनता के साथ खड़े हैं, और जिन मांगों को लेकर आज हम धरने पर बैठे हैं, जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी, ये लड़ाई हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी जब से बनाए एक भी मैच नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी खतरे की जद में, भूकटाव लगातार हो रहा है, उस पे क्या कहना? देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देहरादून हो, चाहे इंदिरा गांधी स्टेडियम हल्द्वानी है, ये दोनों कांग्रेस सरकार ने बनाए, और हमारा एक विजन था, हमारी इच्छा थी कि जो स्टेडियम यहाँ पर बने हैं, जिस तरीके से देश के अंदर बड़े बड़े क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, आईपीएल के मैचेस होते हैं, हमारे उत्तराखंड के रणजी के मैचेस होते हैं, वो सब यहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे, हमारे जितने भी बच्चे हैं वो उससे सीखेंगे, आने वाले समय में हमारे यहाँ की जो उदयमान प्रतिभाएं हैं उनको भविष्य में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। सर, सवाल यही खड़े होते हैं कि बनाया जिस मिशन के साथ गया था वो कहीं ना कहीं नहीं किया जा रहा है, लगातार उसका भू धसा हो रहा है, कहीं ना कहीं खतरे की तरफ की। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन 5 सालों में और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मैचेस ऑर्गेनाइज करना तो एक दूर की बात है, उसमें जो घास उगी है, जो कहीं पर रंग रोगन की जरूरत होगी, कहीं पर अगर पानी का लीकेज होगा, उसको तक सुधारने के लिए उन्होंने बजट की कोई व्यवस्था नहीं की होगी। और सबसे बड़ी चिंता का विषय है, कांग्रेस शासनकाल में हमने 10 करोड़ रुपए की लागत से सुरक्षा बाढ़ के लिए पिचिंग का काम कराया था, लेकिन आज स्थिति यह है कि इंटरनेशनल स्टेडियम पर भी जो हमारे बाढ़ कटाव हो रहा है लगातार, जो हमारी जमीनें कट रही हैं, उसकी जद में हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम भी आ रहा है।
बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं कि राष्ट्रीय खेल होंगे, लेकिन सच्चा यह है कि आज हमारा इतना बड़ा स्टेडियम भी खतरे की जद में है, और कहीं ना कहीं अगर जल्दी से सरकार ने इस पर ध्यान नहीं लिया तो कहीं ना कहीं हमारा स्टेडियम भी, गोला पुल की परिणति जिस तरीके से हुई है उसी तरीके से हमारे स्टेडियम को भी हमारे हाल देखने ना पड़े। जैसे कि धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है, क्या क्या मांगे हैं, क्या कुछ आपका कहना है? हम पूरे गोलापुर क्षेत्र के सारे किसान और ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं, हम लोग जो है सभी लोग जो है आज गोला पे ये पुल टूटने की वजह से, पुल का अप्रोच रोड टूटने की वजह से जो परेशान हैं, तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इसको अविलंब बनाया जाए तुरंत, क्योंकि त्योहारी सीजन सिर पे आ रहा है, यहाँ नवरात्रि है, यहाँ श्राद्ध पक्ष लगे हुए हैं, और उसके बाद फिर नवरात्रि के बाद फिर दिवाली, तो इसमें जो है आदमी को जहाँ पर 20 रुपये किराया देता था वहाँ 60 रुपये किराया देके जा रहा है एक आदमी, जो जिस बेचारे को 300 रुपये रोज की मजदूरी कर रहा है तो उसको 100-150 रुपये तो किराए में चले जाएगा, तो सामान क्या खरीदेगा अपने लिए वो। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करी, साथ ही विधायक सुमित हिरदेश से भी बात करी, लोगों का क्या कुछ कहना है देखा ही आपने। लोगों का कहना है कि करोड़ों में बजट पास किया जाता है लेकिन उस मजबूती के साथ पुलों को नहीं बनाया जाता, उस मजबूती के साथ कार्य नहीं किया जाता। वहीं लगातार लोग भाजपा सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े हैं न्यूज़ 31 के साथ।